फोर्टीस के बाद जनरली फीमेल्स में कई बार होता है कि टायर्डनेस फील करते हैं इरिटेटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते हैं तो इज इट अ साइन ऑफ मेनोपॉज या वैन शुड आई कंसल्ट अ डॉक्टर या एग्जैक्ट मेनोपॉज के लिए क्या करना चाहिए हमें अपने लिए समय कम मिलता है और मैं इसे बहुत रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज वी हैव द सेम एज तो ये है कि वी शुड नॉट वेट फॉर मेनोपॉज साल में एक बार आप जरूर अपना चेकअप कराइए क्योंकि ये जो टायर्डनेस है इरिटेबिलिटी हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन कम हो हो सकता है शुगर तो नहीं आ रही आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तो देर कैन बी सो मेनी अदर थिंग्स पर अगर मिनोपॉज की बात करें तो हमारे इंडियन फीमेल्स का जो एज है वो हम छियालीस मानते हैं फोर्टी सिक्स तो फोर्टी सिक्स टिल फिफ्टी इज द नॉर्मल एज ऑफ मिनोपॉज अगर आप फोर्टी फाइव के पहले हो जाते हैं आपका मिनोपॉज होता है तो ये आपका अर्ली है और अगर चालीस के पहले आपके पीरियड आने बंद हो गए तो ये प्री मेच्योर है तो जिस तरह किसी भी प्री मेच्योर बच्चे की बहुत देखभाल करनी पड़ती है इनक्यूबेटर में रखते हैं इसीलिए अगर आपके 40 के पहले आपका पीरियड बंद हुआ है और मेनोपॉज हुआ है तो आपके अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा